सही है सही है, अब खड़े रहिए। नवनिर्मित हॉस्पिटल भगवतपुर के मुंह आ रहा कि नहीं, हमने ये पाया कि हमसे लेना है प्रेम करा, प्रेम तो हमारा भी खराब है। चूंकि ये अस्पताल डिस्पेंटल होकर के आया, कुंभ मेले में अस्थायी रूप से बनाया गया था, वहाँ के संसाधनों का यहाँ उपयोग करते हुए अस्पताल स्थापित कर दिया गया है। मैन पावर को सेंक्शन हमने कर दिया है, 16 चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी है, सभी उपकरण जो 100 बेड के लिए अनुमन्य है वो यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं, वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है, 10 दिन के अंदर अस्पताल फुल फ्लेज से चलने लगे ऐसे हमने निर्देश दिए हैं, और समय समय पर जिलाधिकारी महोदय अपने देख रेख में काम पूरा कराएंगे, और आसपास के गाँव में इस बात की जानकारी हम सभी नागरिकों को देंगे, उनके घर के पास, उनके गाँव में ही, उनके क्षेत्र में ही इस बड़े अस्पताल का विधिवत संचालन प्रारंभ हो गया है। अब आपको शहर की ओर जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, डेंगू की भी समस्या हो रही है? देखिए, संचारी रोग अभियान हम लोग लगातार चलाते हैं, वर्ष में 3 बार, और मुझे अभी ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं, फिर भी हम सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। कहीं भी मरीज होंगे उनको हम उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराएंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। हम मरीजों की पहचान कर रहे हैं, जांच का दायरा हमने बढ़ाया है, और जांच के दायरा बढ़ाने की वजह से आप देखते होंगे गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में, और जो परंपरागत जिले हैं जहां पर मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसे बुखार के पीड़ित मरीज अधिक पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में हमने विशेष सतर्कता बरती है। अच्छा, इसके अलावा बात करें, G20 का सम्मेलन चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का प्रस्ताव रखा था अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारत दुनिया में भारत माता का झंडा लहराने में सफल हुआ है, और ये सब माननीय मोदी जी की वजह से हुआ। अच्छा, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि जी का मतलब जो है घोसी, आप जानते हैं वो सर, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक पोस्टर लगा है जिसमें शिवपाल जी के लिखा है टाइगर अभी जिंदा है, क्या कहेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं चित्र सच्चाई प्रदेश की, घोसी चुनाव शिवपाल जी को सच्चाई प्रदेश की जनता, क्या शिवपाल जी को टाइगर कहेंगे? पूरी तरीके से क्रियाशील करना है, आने वाले संचारी जो संचरण काल है हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस का, उनको भी ध्यान में इमिडिएटली हम जो आसपास के ऐसे डेंगू प्रभावित क्षेत्र हैं उन मरीजों की सेवा के लिए मौजूद हैं, और जो मरीज हैं उनका उनकी उचित देखभाल कर रहे हैं, पर कुछ रेनोवेशन का काम आ रहा है, जो मरीज यहाँ पर आकर एडमिट होकर और अपना इलाज करा सकते हैं वो सुविधा भी यहाँ पर 10 दिन के उपरांत। और सर अभी रिसेंटली यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स ट्रांसफर हुआ, क्या था इसमें?